आज मैं आपके साथ में शाही चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और बहुत ही झटपट एकदम आसानी से बनेगी और बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से बनेगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारे पास में कुछ मसाले हैं। ये मेरे पास में 500 ग्राम चिकन है विद बोन्स है और ये हाफ टी स्पून नमक है, ये हाफ 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा है पिसा हुआ, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी है, हाफ टी स्पून चिल्ली पाउडर है, ये स्पाइसी है इसके लिए मैंने इसको हाफ से भी कम लिया है, और ये 1 टीस्पून कश्मीरी है इसको कलर के लिए लिया है, और दही जाएगा इसमें 2 स्पून, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है ये जाएगा इसके अंदर 2 टीस्पून। चलिए इसको मसालों को मिला के रखते हैं। 1 टीस्पून 2 टीस्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, और ये जो भी मसाले हैं वो सब इसके अंदर चले जाएंगे, इसी के अंदर दही चला जाएगा, और इसको मिला के मैं अच्छे से 1.5 से 2 घंटे के लिए मिला के रख दूंगी अच्छे से। 1 ये 2। अभी ये दही और भी इसमें मिलेगा, हम बाकी जब ग्रेवी तैयार करेंगे उन मसालों के अंदर भी दही जाएगा, इसके लिए मैंने इसमें 2 ही चम्मच दही डाला है, और अच्छे से मिला के इसको रख देंगे मसालों को मिक्स करके। ये देखिए इसमें मसाले मिला दिए, इसको आधा घंटा रख दिए या 1 घंटा रख दीजिए मिला के, और अभी इसको रख रहे हैं। और बाकी के मसाले क्या हैं वो आपको मैं बताती हूँ अभी। बाकी के मसाले हैं जो मुझे बनाने हैं अभी, ये देखिए 1 चम्मच मैंने ये अखा धनिया लिया है, और 1 टीस्पून मैंने ये ज़ीरा पाउडर लिया है सफ़ेद ज़ीरा, ये 4 से 5 इलायची हैं, 2 सूखी मिर्ची हैं, और 2 ये लकड़ी हैं, इनको सबको मैं रोस्ट कर लूँगी भून लूँगी, और ये 1 प्याज है, ये तला हुआ प्याज है। आप 2 प्याज लीजिए, उनको तेल में फ्राई कर लीजिए और साइड में निकाल दीजिए उनको। फिर उसको बाद में इसको मिक्सर में डाल के पीस लेंगे, और ये कुछ बादाम है 15 बादाम है, इनको भी मैं पीस के इनका पेस्ट बना लूँगी। काजू और बादाम दोनों मिक्स करके डालना है, 10-15 काजू 10-15 बादाम आपके पास में कुछ भी हो उसमें से आप कुछ भी डाल दीजिए, चाहे बादाम डाल दिए चाहे काजू का पेस्ट बना के डाल दिए। ये मेरे पास में 2 चम्मच दही है, ये भी ग्रेवी में जाएगा, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। चलिए मैं इसका सबका पाउडर बना लेती हूँ, भून लेती हूँ, पहले मैं इसको रोस्ट कर लेती हूँ। देखिए इसके अंदर मैं ये धनिया ऐड कर दूंगी, पहले तवा हमारा गरम है, इससे थोड़ी सी खुशबू बढ़ जाती है और मसालों का मजा और टेस्ट अलग हो जाता है एकदम। सूखी मिर्ची भी इसी में जाएंगी, लकड़ी भी इसी में जाएंगी, ये हरी इलायची भी इसी में जाएगी। सीरा भी इसी में जाएगा। ये मैंने तीखी, ये मिर्ची तीखी होती है इसके लिए इनको ज़्यादा नहीं लेने का, ये स्पाइसी होती है। अगर आपके पास में बेड़की मिर्ची हो तो वो आप ले सकते हैं 3-4 मिर्ची, लेकिन ये रेशम पट्टी है ये ज़्यादा तीखी होती है इसके लिए इसको ज़्यादा नहीं लेते हैं। मैं आपको एक रेसिपी दूंगी जो बेड़की मिर्ची से बनती है, बहुत ही अच्छी घी चिकन की होती है, वो रेसिपी आपके साथ में मैं शेयर करूंगी, और काफ़ी मज़ेदार बनती है। आपके साथ में मैंने काली मिरी पनीर शेयर किया है, बहुत ही अच्छी बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप लोग ट्राई नहीं करते ना कमेंट करते हैं, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारी आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी। ये देखिए आप अच्छी से खुशबू आने लगी है, रोस्ट हो गया है हमारा मसाला, गैस को मैं बंद कर दूंगी। ये देखिए जो भी मैं मसाले भुने थे उनको मैंने पीस लिया है मिक्सर में, पाउडर बना दिया है, और ये मैंने जो प्याज था फ्राई इसको भी दरदरा सा पीस लिया है, और बाकी का बाद में, अभी मसाले लगे हुए चिकन रखे हुए हैं, बाद में आपको बताते हैं आगे कैसे करना है।
डू सब्सक्राइब आवर डेजर्ट चैनल बरियाल गनाश एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। ये जो चिकन है इसको मैंने जो मसाले लगा के रखे थे, अब मैं इसको एक तवे में या कोई भी फ्राई पैन ले लें या तवा ले लें, उसके ऊपर थोड़ा ऑयल डाल दें। ऑयल डालने के बाद में इसको थोड़ा हम फ्राई करेंगे। कैसा फ्राई करेंगे? जिसमें उसमें ग्रिल आ जाए, माँ निशान पड़ जाए अच्छे से, फिर उसके बाद में उसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। अब ये तवे पे मैंने तेल ले लिया है और ये गर्म भी हो गया, इसके ऊपर ही मैं ये चिकन रखूँगी। अच्छे से फ्राई हो जाएंगे थोड़ा। अब मसाला काफी अच्छे से लग गया है कि काफी देर से रखे हुए थे, इसके लिए उसमें मसाले पूरा कोट हो गए हैं, अच्छे से लिपट गए हैं मसाले चिकन के ऊपर। गैस फास्ट है हमारी, अब इस तरीके से उसको पलट देंगे। देखिए अच्छे से एकदम मसाले उसमें चिपक गए और थोड़ा सा ग्रिल मार्क्स हो जाएंगे, ये देखिए। देखिए काफी अच्छे से ग्रिल मार्क्स हो गए इनके अंदर और मसाला भी चिपक के थोड़े फ्राई हो गए। अब चलिए इसका हम ग्रेवी तैयार करते हैं। इस तवे को मैं हटा दूंगी गैस पर से। ये एक पैन में मैंने तेल ले लिया है थोड़ा, इसके अंदर मैं आप डालूंगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने उसमें भी डाला है, इसके लिए थोड़े ही अदरक लहसुन का पेस्ट पड़ेगा। इसके अंदर ये पिसा हुआ जो प्याज का वो जाएगा इसके अंदर। तो मैं थोड़ा सा पका लूंगी। फिर इसमें ये मैं दही डाल दूंगी, 2 चम्मच दही जाएगा क्योंकि मैंने पहले भी मसालों में मिलाया था दही। भून लूंगी अच्छे से। फिर ये जो मसाले मैंने ड्राई पीसे थे ये भी इसके अंदर जाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी भूनने के लिए। बहुत ही मजेदार बनेगी ग्रेवी और आप भी जरूर ट्राई कीजिए। थोड़ा भूनूंगी मसालों को, इसमें पर थोड़ा सा नमक डालूंगी 1/4 टीस्पून क्योंकि चिकन में भी नमक है। और ये अच्छा भुन गया, इसके अंदर से बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है। इसके अंदर मैं ये चिकन ऐड कर दूंगी सारा, जितना भी मसाला जो था चिकन के अंदर से बचा था उसमें वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। जितना भी चिकन है वो इसके अंदर मैं डाल दूंगी।
अच्छे से इसको चलाएंगे। देखिए देखने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी, एक नींबू में आधा इसमें डाल दूंगी। चला दूंगी अच्छे से, फिर इसको मैं थोड़ा सा स्लो करके गैस को थोड़ा मीडियम स्लो करके अच्छे से पक जाए और चिकन हमारी गल जाए। देखिए काफी अच्छे से पक गया है। इसके अंदर ये जो मैंने बादाम बताए थे उन बादाम को मैंने पीस लिया है और इस तरीके से उनको भी डाल दूंगी मैं। ये शाही मसाला चिकन है तो इसके लिए थोड़ा इसका मसाला थिक रहेगा और आपस में ऐसे इस तरीके से रहेगा और काफ़ी अच्छा बन रहा है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए हमारी रेसिपी को। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे बरियाल गनाश, बरियाल शॉर्ट्स, बरियाल ग्लैमर तीनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनी है और इसके अंदर आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं थोड़ी सी इसके अंदर क्रीम ऐड कर रही हूँ। आपके पास में घर में मलाई हो तो भी आप डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है। गैस को मैं थोड़ा स्लो कर रही हूँ और ग्रेवी काफ़ी अच्छी, इसका मसाला तैयार हो गया है। के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करूंगी। चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़ अगली रेसिपी के साथ में।